Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मुकाम न्यूज, मतलब खबरें आपके काम की। सर्दियों में खुद को फिट रखना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि सर्दियों में सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं बहुत नुकसानदायक साबित होती हैं, क्योंकि वो बदलते समय वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो यही सर्दियाँ एक खूबसूरत मौसम की तरह लगने लगता है। सर्दियों में किसी भी बीमारी से बचने के लिए आवश्यक है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और पहले से ही बचाव का इंतजाम करना शुरू कर दें। दोस्तों, बदलते समय और मौसम के साथ खुद को भी बदलना पड़ता है, नहीं तो एक छोटी सी मुसीबत भी बड़ी हो जाती है। आइए हम जानते हैं कि इस विंटर में अपने हेल्थ को कैसे बरकरार रखें। सबसे पहले तो सर्दियों में हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। नियमित व्यायाम करने से पॉजिटिविटी आती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, पॉजिटिव विचार से आपकी एनर्जी लेवल दुगुना हो जाएगा और आप पहले से ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट लगेंगे। सर्दियों का मौसम व्यायाम करने के लिए और जिम जाने के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि आपको कसरत ज्यादा करना पड़ता है और पसीना बहाने के लिए नींद पूरी ले। एक स्वस्थ मस्तिष्क से ही एक स्वस्थ इंसान की परिकल्पना हो सकती है, इसलिए नींद पूरा होना हर इंसान की जरूरत है। अगर आप भरपूर नींद लेते हैं तो आपके सोचने की क्षमता भी बढ़ती है और आपके शरीर में भी पॉजिटिव तरंग का संचार होता है। फ्री माइंड से सोचते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, जिससे आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो सकते। पौष्टिक खाएं, सर्दियों में जितना हो सके आप स्वस्थ चीजों का सेवन करें, जैसे मौसमी फल और सब्जियां खाएं, हरी सब्जियों का सेवन करें, स्टार्च युक्त और ऑयली खाना खाने से बचें। सर्दियों से लड़ने के लिए लहसुन खाइए, जिससे आप जुकाम से बच सकते हैं। ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, अखरोट, मूंगफली, ये सब पोषक तत्वों से भरपूर है, इनका सेवन करें। सर्दी के मौसम में विटामिन, खनिज लवण और एंटीऑक्सीडेंट तत्वों का सेवन करना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सर्दियों में मक्का, बाजरे की रोटी, घी, मक्खन, घी, दूध, गुड़ के साथ सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। उन्हीं वो आरामदायक कपड़े पहने। सर्दियों में जोड़ों में दर्द होने की संभावना ज्यादा रहती है। शरीर में अगर कोई पुरानी चोट हो या हड्डियों की चोट हो तो सर्दियों में दर्द करती है, तो जो लोग दिल, गठिया या अस्थमा रोगी हैं, उन्हें सर्दियों में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। ठंड से बचने के लिए उन्हीं गर्म कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कपड़े आरामदायक हो। सर्दियों का मौसम फलों और सब्जियों के हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है। इस मौसम में आपको अनेकों प्रकार की हरी सब्जियां फल मार्केट में मिल जाते हैं। खासकर फलों में अनार, आंवला, सेब, संतरा, अमरूद और सब्जियों में गाजर, मूली, पालक, गोभी, टमाटर, मटर। इस मौसम के फलों और सब्जियों में विटामिन, खनिज लवण एवं फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो सर्दियों में फिट रहने के लिए मौसमी फलों और सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए पर्याप्त पानी पिए, क्योंकि गर्मियों में शरीर से पसीना निकलता है और हमारे शरीर से पानी की कमी होती है और हम बार बार पानी पीते हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। लेकिन सर्दियों में पसीना होता नहीं है तो बहुत से लोग आलस करते हैं पानी पीने में, जो कि बहुत गलत है। हर एक इंसान को प्रतिदिन 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, इसलिए सर्दियों में भी पर्याप्त पानी पिए। और हाँ, अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आप मोटापा कम करने के लिए सुबह भूखे पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 नींबू निचोड़ लें और 1 चम्मच शहद डालकर पिए, इससे आपको जरूर फायदा होगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक शक्तिवर्धक तत्वों का भी सेवन करना चाहिए, जैसे वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सर्दियों में शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे असगंध, मूसली, कोखरू, मुलहटी, शिलाजीत आदि से बने हुए औषधि योग जैसे चनप्रास, मूसली, बादाम पाक, कोंच पाक इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। ये सब पोषक तत्व आपके अंदर को मजबूत बनाते हैं। इन तत्वों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए, जिससे और इसके लिए एक उचित डाइट चार्ट का भी आपको फॉलो करना है। तो दोस्तों, अगर आप सर्दियों में इन सब बातों का ध्यान रखेगा तो ना सिर्फ फिट रहेंगे बल्कि स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा यह प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अपडेट तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज, और बेल आइकन दबाना एकदम ना भूले। न्यूज़, शिक्षा, नौकरी, टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी खबरें व ट्रिक सिर्फ यूथ मुकाम।